तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंड ऑफ जॉन इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर फैंग आओ था, उस पर जो वहाँ पर जी हुआंग ने अटैक कर दिया था, जहाँ पर फैंग आओ ने उस जी हुआंग को हरा दिया था। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग आओ ने वहाँ पर उस शॉर्ट पपेट का यूज करके उस पर अटैक कर दिया था, जहाँ पर वो शॉर्ट पपेट उस पर अटैक कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसेस याव आके फैंग आओ को रुकने को कहती है, और भी वहाँ पर शांत होती है, बोल रही थी कि देखिए आप यहाँ पर कृपा करके मर्सी शो करें, क्योंकि आप वैसे भी जो जाओ वो डायनेस्टी में ही हैं। तो यह बात सुनकर फैंग आओ वहाँ पर उस स्वाद स्प्रिट को अपने अंदर रख लेता है। तभी फैंग आओ वहाँ पर सियाओ के पास आ गया था, और जी हुआंग को गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि यार लास्ट टाइम है, अगर अगली बार हुआ तो मुझसे बड़ा कोई ना होगा। जी हुआंग वहाँ पर से चला जाता है। तभी सियाओ थी वो वहाँ पर बोल रही थी कि देखिए आप, मुझे पता है कि आप यहाँ पर बहुत ही गुस्सा है, लेकिन वो जी हुआंग जो यहाँ के एम्परर का बेटा है, तो अगर आप उसको यहाँ पर घायल करते हैं तो एम्परर आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो फैंग का बोल रहा था कि हमें सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जो बिल्कुल भी यार नहीं सुनना चाहता हूँ कि मैं एक गद्दार का बेटा हूँ। ते बात सुनकर सियाओ बोल रही थी कि आप चिंता ना करें, मैं इसके बारे में एम्परर को बता दूंगी, फादर को बता दूंगी, और वो जो जी हुआंग को बिहेव में रहने के लिए सलाह दे देंगे। तो तभी वहाँ पर फैंग का प्रिंसेस सियाओ से माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसने उनको जो अपना रियल आइडेंटिटी नहीं बताया था। तो सियाओ बोल रही थी कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबके पास अपना रीजन होता है झूठ बोलने का, और आप चिंता ना करें, 3 दिन के बाद जो जल्द ही वो सीक्रेट रियलम ओपन होने वाला है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फैंग आप पूछता कि क्या तुम नहीं आने वाली हो। तो सियाओ बोल रही थी कि नहीं, उसंग आने वाला है और मैं यहाँ पर रह के अपने माँ का देखभाल करने वाली हूँ। और फिर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, और हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बंदे जा रहे थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन सारे बंदों में जी हुआंग, उसंग, फैंग हाओ और वो एम्परर वो भी मिला हुआ था। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे वहाँ पर फॉरबिडन एरिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जब फैंग का वहाँ पर स्पिरिचुअल की मदद से देखता है, और उससे पता चलता है कि उस फॉरबिडन एरिया में एक बैरियर क्रिएट हो रखा है, और उसका स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा है, जिससे फैंग हाओ को भी दिक्कत हो रहा था। तो तभी वो एम्परर वो वहाँ पर कुछ टेक्निक परफॉर्म करने लगता है, और फिर तभी वो 3 एनर्जी बॉल्स अटैक करके उस बैरियर को ओपन होने पर मजबूर कर देता है। शायद यही तरीका होगा इस बैरियर को ओपन करने का। तो तभी वहाँ पर सारे बंदे उस बैरियर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर सब लोग रिलैक्स हैं। तभी उसंग वहाँ पर फैंग आओ के पास आते हुए बोल रहा था कि यह जो स्टैचू है वो एंशिएंट एम्परर सुआन युआन का है, जो कि हमारे फैमिली से बिलोंग करते थे, और वो पास्ट में बहुत ही ज़्यादा फेमस और पावरफुल थे। तो बस उनका फैंग आओ बोल रहा था कि क्या एम्परर सुआन युआन पूछ रहा था कि क्या यह बंदा जो है ट्रू इमॉर्टल स्टेज का लेवल का बंदा था। तो तभी जो वो एम्परर वो था, वो वहाँ पर एक टोकन निकाल कर उसमें कोई मंत्र पढ़ता है, जिससे एक ड्रैगन अपीयर हो के वहाँ पर एक फॉर्मेशन, एक पोर्टल को अपीयर कर लेता है, जहाँ पर यह देखकर सब बहुत खुश हो गए थे। तभी एक ओल्ड मैन वहाँ पर जी हुआंग को बोल रहा था कि एक बार आप इसमें एंटर कर जाते हैं, तो आपको जब वो दोनों एम्परर में से कोई एक एम्परर का इनहेरिटेंस हासिल करना होगा। तो तभी वो जी हुआंग वहाँ पर पीछे मुड़ के वहाँ पर फैंग हाओ को देखता है गुस्से में, और वो जी हुआंग सोच रहा था कि एक बार मुझे कोई इनहेरिटेंस मिल गया, उसके बाद मैं देखता हूँ कि कौन यहाँ पर मार खाता है। तभी वो एम्परर वो बोल रहा था कि यह पोर्टल ओपन हो चुका है, तो आप लोग जा सकते हैं और अपना इनहेरिटेंस खोज सकते हैं, जहाँ पर वो तीनों बंदे अंदर चले जाते हैं। तो कुछ देर बाद फैंग और वांग सेंग भी अंदर चला जाता है, जहाँ पर तभी हम देखते हैं उसके अंदर का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पोर्टल्स अपीयर हो रखे थे, जहाँ पर एक पोर्टल से उन लोग पाँचों आ जाते हैं, जहाँ पर वो जी वांग बता रहा था कि यहाँ पर 9 डिफरेंट एंशिएंट एम्परर का इनहेरिटेंस रूम है। फैंग हाओ हैरान था, तभी वो वहाँ पर एम्परर सुआन युआन का इनहेरिटेंस को देखता है, जहाँ पर एक फायर ड्रैगन था और जो वाइट वाला था वो बिल्कुल खाली था। तो यह वाला देख कर फैंग हाओ बोल रहा था कि इन सारे इनहेरिटेंस में घुसना मामूली बात नहीं है। तो उसंग बता रहा था कि जो जी फैमिली से बिलोंग करता है, बस वही बंदा जो एंशिएंट एम्परर ऑफ सुआन युआन इनहेरिटेंस पैलेस में एंटर कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर वाइट मास्टर का पावर चाहिए तो तुम्हें उसके लिए टेस्ट पार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे ही तुम एंटर करते हो वाइट में तुम वहाँ खो जाओगे।
तो फेंगा बोल रहा था कि आप चिंता ना करें, मैं यहाँ पर वाइड रूम में एंटर करने वाला हूँ। तो उसंग बोल रहा था कि वो जी फैमिली से बहुत सारे बंदे वहाँ पर एंटर करते हैं लेकिन वो सब खो जाते हैं। तो तभी वहाँ पर दो बंदे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फेंगा का बोल रहे थे कि देखो यार, जो वाइड रूम में जाना चाहता है इसको पता नहीं है कि ह्यूमन इमोर्टल स्टेज का बंदा भी वहाँ पर खो सकता है, तो यह तो एक गधा है, कचरा है। तो तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हुए वहाँ पर से चले जाते हैं एम्प्रेस वान युआन के रूम में, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसोंग भी वहाँ पर से चला जाता है, जी हुआंग भी वहाँ पर से चला जाता है फैंग आप को छोड़ कर। तो तभी हम देखते हैं कि जो फैंग आप था वो वहाँ पर वाइट रूम में चला जाता है। तो तभी हम वाइड रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर फेंगा वहाँ गया था, जहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था। तो देखा फेंगा वहाँ पर आसपास देखने लगता है, जहाँ पर उसको टाइम न तो अर्थ न तो स्पेस कुछ भी चीज़ का महसूस नहीं हो रहा था। तो वो बैठ के वहाँ पर कल्टिवेट करने लगता है, जहाँ पर वो क्रिएशन आई का भी यूज़ करता है, जहाँ पर उसके कारण वहाँ पर चारों तरफ एनर्जी बैरियर फॉर्म हो जाते हैं और एनर्जी बीम आसमान की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ पर तभी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी बीम आसमान की तरफ जाता है, जो कि फेंगा के बॉडी से जा रहा था। तो तभी हम देखते हैं कि फेंगा वहाँ पर अपना एनर्जी को वापस रख लेता है, पता नहीं क्यों लेकिन हाँ रख लेता है। और फिर तभी हमें वहाँ पर एम्परर स्वान युआन इनहेरिटेंस पैलेस का सीन दिखाया जाता है। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो चारों बंदे मौजूद हैं जी फैमिली के, और ये चारों बंदे जी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो सॉन्ग था उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक जगह पहुँच गया था जहाँ पर उसको एक डेमन रेस का अल्टर दिखाई पड़ता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डेमन अपीयर हो गया था, जो कि वाकई में बहुत पावरफुल था, क्योंकि वो उसके एनर्जी के कॉन्टेक्ट में जो कोई भी आ रहा था, इंसान जानवर वो सब वहाँ पर मर जा रहा था तड़प के ही। तो हम देखते हैं कि यार देख वो फैन उसोंग भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। तो तभी वहाँ पर अचानक से फायर ड्रैगन अपीयर होता है, जिस पर जो एम्प्रेस सुवान युआन सवार हो रखा था, और फिर वो वहाँ पर उस डीमन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल से और ज़्यादा डीमन रेस के बंदे बाहर आने लगते हैं और उनका लीडर भी बाहर आ गया था। तो देख कर वो सॉन्ग बोल रहा था कि क्या यही चीज़ हुआ था पास्ट में। तो तभी उसके पास एम्प्रेस सुवान युआन आते हुए बोल रहा था कि हाँ यही चीज़, और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।